नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। कोरोना वायरस महामारी के दौरान बनाए गए पीएम केयर्स फंड को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। दरअसल हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पीएम केयर्स फंड की पारदर्शिता पर सवाल उठाया गया है। इसमें कहा गया है कि पीएम केयर्स फंड के दस्तावेज में विरोधाभास है और ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि पीएम केयर्स फंड सरकारी है या निजी है, यानी कि पूरा मामला ट्रांसपेरेंसी का है जो उसमें नहीं दिख रही। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पीएम केयर्स फंड के दस्तावेजों में इसे एक जगह निजी संस्था लिखा गया है। इस रिपोर्ट को लेकर ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, पीएम केयर्स फंड, चलिए ट्रांसपेरेंसी को बड़क कम। राहुल ने जो खबर शेयर की है उसमें दावा किया गया है कि पीएम केयर्स फंड पर संशय है, सरकार इस बात पर स्पष्ट नहीं है कि ये सरकारी फंड है या किसी की निजी संपत्ति है। वहीं गुरुवार को कांग्रेस ने भी पीएम केयर्स पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस ने पीएम केयर्स फंड को लेकर बुधवार को सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इसको मिले विदेशी अनुदानों की जांच होनी चाहिए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि इस कोष को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए और इसको मिले पैसे का विवरण सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, चीन, पाकिस्तान और कतर से पीएम केयर्स में पैसे लेने का मामला है। प्रधानमंत्री से सवाल है कि भारतीय दूतावास ने पीएम केयर्स का प्रचार क्यों किया और इसमें अनुदान क्यों लिए। प्रतिबंधित चीनी ऐप्स पर इस कोष का प्रचार क्यों किया गया। आपको बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने का आदेश देने से ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि ये फंड एक चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस ट्रस्ट के दस्तावेजों में एक जगह लिखा हुआ है कि इस पर ना तो सरकारी स्वामित्व है और ना ही सरकार के किसी अंग का इसके ऊपर नियंत्रण है। ऐसे में पीएम केयर्स फंड के दस्तावेजों में विरोधाभास की बात कही जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।